हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोकीज किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर पनीर पराठा, हेल्दी एंड टेस्टी सीजन स्पेशल। देखते ही खाने का दिल करेगा आपका मटर पनीर पराठा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटर पनीर पराठा। सबसे पहले अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे, जिसमें मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। इसके साथ ही ऐड कर देंगे 2 कप मटर। मैंने फ्रेश मटर लिए, आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं। मेजरिंग कप से 2 कप मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं, इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में ऐड कर देंगे 2 से 3 टीस्पून ऑयल। जो मिश्रण हमने ब्लेंड करके रेडी किया है मटर का, वो इसमें हम सेक लेंगे। स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे मटर का मिक्सचर, जब तक इसका मॉइस्चर कम ना हो जाए और मटर बढ़िया से कुक ना हो जाए, तब तक इसे स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। अब मटर को 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे और बीच बीच में 1 से 2 बार इसे चला लेंगे। 2-3 मिनट बाद आप देख पा रहे हैं मटर बढ़िया से कुक हो चुके हैं। चलिए एक बार ढक्कन निकाल कर इसे चेक कर लेते हैं। मटर का मिश्रण ड्राई हो चुका है और मटर बढ़िया से कुक हो चुके हैं। इसका जो मॉइस्चर है वो भी कम हो चुका है, देख पा रहे हैं आप। चलिए अभी स्टेज पर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर। बढ़िया से टेस्ट के लिए ये सारे स्पाइसेस ऐड करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस तरह से घर पे पराठे बना लिए तो आप बाहर के पराठे खाना भूल जाएंगे। बहुत ही यम्मी और टेस्टी पराठे बनते हैं घर पर। तो इस मटर पनीर पराठे में आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है, स्टफिंग हमारा बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसे नीचे उतार लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक आटा गूंथ लेंगे। 2 कप मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, साथ में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसमें ऐड कर देंगे मेथी। 1 कप मेथी को मैंने धोकर साफ़ कर लिया था, इसे भी ऐड कर देंगे। अब साथ में ऐड कर देंगे मोइन के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल, ताकि हमारे जो पराठे बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट बने। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे बढ़िया से सॉफ्ट आटा लगाएंगे। आटा सॉफ्ट होगा तभी हमारे पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। लीजिए दोस्तों, आटा हमारा लग चुका है, जिस तरह से हमें पराठे के लिए चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाया है, बिल्कुल परफेक्ट आटा लग चुका है। चलिए अब इसे रेस्ट करने देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर से एक बार इसे सॉफ्ट कर लेंगे और साइड पर रखकर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। चलिए आटे को ढककर रखेंगे साइड पर। अब देख लेते हैं स्टफिंग। स्टफिंग बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर। मटर पनीर पराठे बना रहे तो पनीर जाएगा इसमें, अगर आप चीज़ ऐड करना चाहें तो स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, पहले हमने स्टफिंग में नमक ऐड नहीं किया था, और बढ़िया से सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए पराठा। लीजिए, स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है। इसमें ऐड कर देंगे बढ़िया से स्वाद के लिए 1/2 कप धनिया। फ्रेश धनिया ऐड करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा पराठे में। चलिए इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। चलिए, स्टफिंग तो हमारा रेडी है, इसे रखेंगे साइड पर और देख लेते हैं आटा। आटा बढ़िया से सेट हो चुका है, एक बार इसे मसल लेंगे और इसके एक लोई ले लेंगे बड़ी सी और बेलना शुरू करेंगे। सूखे आटे में डस्ट किया मैंने और इसे बेलना शुरू कर दिया है। बड़ी सी रोटी बनाएंगे, ना ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा थिक। लीजिए, बड़ी सी रोटी बेलकर रेडी कर ली है मैंने। अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून जितना स्टफिंग।
बीचों बीच इसमें ऐड करेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे बढ़िया से। ज़्यादा मात्रा में स्टफिंग रखने से ही पराठा खाने में मज़ा आता है दोस्तों। 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे स्टफिंग रख लिया, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे बढ़िया से। और पहले एक साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और दूसरी ओर से भी इसे फोल्ड कर लेंगे और हम नीचे की तरफ से भी उठाकर ऊपर की ओर इस तरह से स्टिक कर देंगे और साइड्स में जो कॉर्नर्स है उसे बढ़िया से सील कर लेंगे। अब सूखा आटा डस्ट करके हम इसे बेलेंगे और पराठे को रेडी कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों बेलेंगे, इवेनली बेलना है, एक तरफ से न मोटा न एक तरफ से पतला, बिल्कुल इवेनली इसे बेल कर रेडी कर लिया है। देख पा रहे आप, लीजिए इवेनली इसे मैंने बेल लिया है, देख पा रहे आप वीडियो में। बस इसी तरह बेल कर रेडी करना है। अब इसे सेक लेंगे, तवा मैंने गरम कर लिया है, नॉनस्टिक तवे पे इसे सेक लेंगे। नीचे तवा हमारा गरम हो चुका है, इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देंगे हमारा बेल कर रेडी किया हुआ पराठा। पराठे को दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन होने तक इसे सेकेंगे, स्लो फ्लेम पर सेकना है। देखिए एक तरफ से बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है, इस पर ऐड कर देंगे ऑयल 1 टीस्पून और इसे पलट कर दूसरी ओर भी सेक लेंगे। इसी तरह दोनों तरफ तेल ऐड करके हमें पराठे को सेक लेना है। आप तेल की जगह घी भी ऐड कर सकते हैं, घी से भी पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। लीजिए गोल्डन कलर आ चुका है, बढ़िया सा सिक चुका है, चलिए इसे ले लेंगे सर्विंग प्लेट में। देखिए अलटते पलटते हुए दोनों ओर मैंने सिक लिया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है, देख पा रहे आप। बस इसे ले लेंगे सर्विंग प्लेट में, गर्मा गर्म पराठा खाने का मज़ा ही आ जाता है ठंडी के मौसम में। चलिए सर्व कर लेंगे, दूसरा पराठा भी सिक चुका है, गर्मा गर्म मटर पनीर पराठा तैयार है दोस्तों। देखते ही खाने का दिल करेगा आपका भी, तो बनाइए इस तरह से ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म मटर पनीर पराठा। तो दोस्तों आज की ये रेसिपी कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। तो मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।